गाइस आज हम ये सिगरेट लाइटर लगाने वाले हैं। जुपिटर है हमारे पास आई भी, तो ये हमारा सिगरेट लाइटर का भी काम करेगी। आप देख सकते हैं इसमें सिगरेट लाइटर भी है, नॉर्मली कार में आता है। तो हम उसके साथ ये भी लगाने वाले हैं यूएसबी का ड्राइव, जिससे कि हमें दो आउटपुट मिलेंगे जिससे हम मोबाइल चार्ज कर सकते हैं अपने डाटा केबल लगा के। तो इसको इंस्टॉल करना बताता हूँ मैं आपको, बहुत सिंपल है, वो दिखाते हैं आपको। गाइस हम सिगरेट लाइटर लगाने वाले हैं अब इसके लिए। उसके लिए हमें ये पूरा डिक्की खोलनी पड़ेगी, 12 नंबर के नट जो होते हैं बोल्ट से, सारे जितने भी चारों बोल्ट खोलने पड़ेंगे, और वो आगे पिछला भी खोलना पड़ेगा, फ्लैप जो होता है और आगे का भी जहाँ बैटरी इंस्टॉल होती है वो भी खोलना पड़ेगा। वो तो दिखाते हैं आपको फास्ट फॉरवर्ड में। गाइस अब देख सकते हैं हमने पूरी जुपिटर खोल ली है, सीट वगैरह सब कुछ खोल लिया है। तो अगर आप ये देख रहे हैं यहाँ पे ये टेप लगी होती है, तो यहाँ पे हमें एक सॉकेट मिलेगा। मैं टेप खोल के दिखाता हूँ आपको, ये पूरा सॉकेट। इसके साथ हमें कोई कटिंग नहीं करनी पड़ेगी तार वार की। ये आप देख सकते हैं इसका ये मेल सॉकेट होता है हमारा, जो इन्होंने अंदर ही दिया होता है। ये चार्जर अगर हम लगवाते हैं तो कंपनी वाले वहीं से हमें इंस्टॉल करके देते हैं, बट इन्होंने लगवाया नहीं था तो हम अपना लगा रहे हैं। तो इसके लिए हमें फ़ीमेल चाहिए होगा, फ़ीमेल हमें मिल जाएगा, हम अपनी वायरिंग में से कहीं से भी ढूंढ सकते हैं। तो देख सकते हैं एक फ़ीमेल है हमारे पास, ये नॉर्मली इस सॉकेट में चला जाएगा, हमें वायरिंग कट करने की जरूरत ज़्यादा भी ज़रूरत नहीं है। और एक तो ये आ जाएगा हमारे साथ, और एक के हमारा होल्डर के साथ ही जो है हमारा, ये अब हम इंस्टॉल करते हैं उसके अंदर डिक्की के अंदर। वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा उसका जो स्पेस होता है वो कट करना पड़ेगा, फिर दिखाता हूँ मैं आपको। गाइज अब ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे हमें ये कंपनी हमें पूरा डायग्राम बना के देती है इस पर कि यहाँ चार्जर इंस्टॉल हुआ होता है पहले से ही, बट हम इसे लगाने वाले हैं तो ये पहले से कट नहीं है, बट हमें कट करना पड़ेगा ये। तो मैं ये कट कर लेता हूँ पहले, फिर आपको दिखाता हूँ कि कैसे कैसे इंस्टॉल होगा कैसे नहीं होगा। गाइस आप देख सकते हैं मैंने पूरा ये क्लियर कर दिया स्पेस हमारा जो हमारा इसके अंदर आएगा, बट ये देख सकते हैं अब ये पूरा अंदर जा रहा है। तो हमें इसके लिए स्पेसर वॉशल चाहिए होगी, जो हमने ये दो ढूंढी हैं अपने पास से। तो ये देखने में भी अच्छी लग रही है थोड़ी, बट हम यही लगाने वाले हैं, ये ऐसे लगाने वाले हैं कि ये देखने में भी अच्छी लगे और थोड़ी हमें बेनिफिट भी दे थोड़ा सा। देख सकते हैं ये वैसे आ जाएगा, और ये नीचे से इसके बाद ये लग के ये टाइट हो जाएगा। ये भी दिखाता हूँ मैं आपको कैसे, एक तो हमने वहाँ लगा ही दी है, तो अब दूसरी वाली भी हम ऐसे ही लगाने वाले हैं। हमें इतना ही टाइट करना है कि बस स्टे हो जाए यहाँ पे, ज़्यादा टाइट नहीं करना क्योंकि इसमें इतने ज़्यादा थ्रेड में जान नहीं होती। आप देख सकते हैं हमने पूरा टाइट कर दिया और ये पूरा प्रॉपर फिटिंग आ चुकी है इसकी। और हमारे साथ इसके साथ आपने देखा होगा रेड कलर की तार थी जो हमें साथ में मिलती है इसके, तो हम वो तार सिर्फ हम यहाँ पे लगा देंगे। इसमें टेप टूप करने की भी ज़रूरत नहीं है, इसके ऊपर पहले से इंसुलेट हुआ हुआ आता है थिम्बल। तो यह एक तार हमारी आपको सॉकेट दिखाया था जो मैंने, कि ये मेल और फीमेल होता है, ये हमने लगा दिया इसमें। और देन हमारे पास ये तार पहले से ही थी, हमें ये ध्यान देना है यहाँ पे दो कलर की तारें होंगी, एक थोड़ी रेडिश सी होगी और एक ब्लैक एंड वाइट कलर की होगी। ब्लैक एंड वाइट हमारा अर्थ होता है, और जो रेड कलर की है वो हमारा पॉजिटिव में जाएगा, जो पॉजिटिव हमारा ये है, हम इसको इंस्टॉल करने वाले हैं यहाँ पे। और ये हमारा डायरेक्ट इंस्टॉल हो जाएगा इसके ऊपर, जो यहाँ पर साइड में थिम्बल का बन रखा है। गाइस अब ये हमने थिम्बल अपना वायरिंग में से किसी से कट करके इसमें लगा दिया जो पॉजिटिव वाली थी, हमें ज़्यादा कटापिटी नहीं करनी पड़ेगी। तो अब ये देख सकते हैं हम ये अर्थ वाली पॉजिटिव वाली तार है, ये रेड वाली में आ रही है, ये तो ये रेड ऊपर से ग्रीन हो रही है तो हम ग्रीन वाली में लगा रहे हैं। ये देख सकते हैं ये पूरी लग गई है। अब मैं आपको इसका नीचे का स्पेस भी दिखाता हूँ, इसको मैं पहले टेप कर लेता हूँ फिर कि कहीं ये पॉजिटिव है तो अच्छे से ही पूरा कर लेते हैं, हम चांस लेने नहीं चाहते कि कहीं पे कुछ टचिंग वगैरह ना हो जाए।
तो हमारा फ्यूज़ उड़ सकता है, वायरिंग में तो इतनी जल्दी इश्यू आएगा नहीं। तो आपको अपने नीचे का स्पेस भी दिखाते हैं कि टच हो रहा है कि नहीं हो रहा। गाइस देख सकते हैं हमारा पूरा प्रॉपर फिटिंग है, तो ये टच भी नहीं हो रहा कहीं पे, वायर्स हैं सिर्फ वो अपना फिल्टर्स के ऊपर आ रही हैं। तो और ये टच भी नहीं होगा कि शोकर वोकर उगर ऊपर जाता है तो भी दिक्कत नहीं आएगी हमें, बहुत स्पेस है। और अब आपको ये पैक करने के बाद चेक कराता हूँ मैं कि कैसे ही वर्क करता है। गाइस अब देख सकते हैं आप इंस्टॉल हो चुका है यहाँ पे, बट ये आपको यहाँ पे थोड़ी सी केयर करनी पड़ेगी क्योंकि ये यहाँ पे स्टोरेज के लिए वाटर स्टोरेज हो जाएगा, क्योंकि हमें जब भी है तो इसको ड्राई रखना है, क्योंकि ये ऑप्शन ही इन्होंने ऐसी साइड दे रखा है कि यहाँ पे पानी स्टोर होगा ही होगा, चाहे हम कंपनी फिटेड भी, बट वहाँ पे ऊपर से रबड़ आती है, बट मैं उसका कुछ कह नहीं सकता कि उसके अंदर जाता है कि नहीं जाता। बट अब ये हमने आपको चार्जर दिखाया था, देख सकते हैं आप इसमें लाइट भी आ चुकी है, तो हम ये अब चार्जिंग लगाते हैं अपने फ़ोन की, देखते हैं कि चार्ज आ रहा है कि नहीं आया। लाइट तो आ चुकी है, होपफुली कि चार्ज भी करेगी। गाइस देख सकते हैं हमारा चार्जर वर्किंग है पूरा, और हम इसकी की ऑफ़ कर लेते हैं तो ये ऑफ़ हो जाएगा, और जैसे ही हम ऑन करते हैं की तो देख सकते हैं आप चार्जिंग आ रही है। वैसे ही हमारा सिगरेट लाइटर भी यूज़ हो सकता है इसके अंदर। गाइस ये अब हमने सिगरेट लाइटर लगाया है, तो इसमें अब देखना है ये अपने आप ही ऊपर पॉपअप होगा जो कट हो जाएगा एकदम से ही, और फिर मैं आपको जला के दिखाता हूँ, पेपर भी जला के दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं आप कैसे अपने आप ही ऊपर आया, तो अब ये देखते कितना रेड हो चुका है, और इससे हम अपनी सिगरेट भी जला सकते हैं। बस आज की वीडियो में यही था कि हमें चार्जिंग भी और सिगरेट लाइटर दोनों ही मिला है। तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, और वीडियो कैसी लगी है भी बताएं कमेंट करके।